हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं ईटीई या डीएलएड का क्वेश्चन पेपर जो जामिया एंट्रेंस का है 2018 का। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बाकी डिटेल्स इसकी, पेपर कोड एंड ऑल ईयर एंड ओके दिस पेपर कोड। जस्ट मोमेंट, दिस वन इज पेपर कोड, दिस इज ईयर गिवन ईयर एंड देन क्वेश्चन बुकलेट में दीज आर थ्री इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो कि इस चीज़ जो पेपर की स्ट्रक्चर होती है उस वो कुछ इस ढंग से होती है कि 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, 15 फ्रॉम जनरल इंग्लिश, और जनरल साइंस से आते हैं 15, और फिर उसके बाद सोशल साइंस से भी 15, इसके अलावा जनरल स्टडीज से 25, रीडिंग से 25 एंड देन टीचिंग एप्टीट्यूड इससे भी 25 क्वेश्चंस। उसके बाद लैंग्वेज कोई एक, हिंदी या उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें ऑप्ट नहीं कर सकते, तो लैंग्वेज में से कोई एक लेते हैं, हिंदी या उर्दू। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम भी दिया हुआ है हिंदी, स्टूडेंट ने जिसने दिया होगा ये तो हिंदी मीडियम में दिया होगा इसलिए ऐसा लिखा है, अदरवाइज उर्दू लिखा होता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें थी जो बेसिक्स थी, आगे चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, ये 5 या 6 पार्ट्स में बनेगा टोटल पेपर, क्योंकि हमें आपको समझाना भी होता है हर एक पॉइंट पे कि कहाँ पे क्यों आंसर आया। स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है तो एक साथ नहीं बन सकता, इसलिए पार्ट्स में बनाएंगे। आज हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन, वो 15 सवाल मैथमेटिक्स से, और हम उन डिटेल्स में भी देखेंगे उन्हें और साथ साथ शॉर्टकट भी देखेंगे। चलिए चलते हैं वहीं पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से मैथ्स का पोर्शन शुरू है, जैसे आप देख रहे हैं पहला सवाल है आपका 3 × 0.3 × 3 = what, ऐसा पूछा गया है। तो ये सिंपल सिंपलीफिकेशन का सवाल है, सिंपल मैथमेटिक्स का। चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें 3 का सीधे टेबल पढ़ेंगे हम। 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81, 81 × 243। लेकिन अब पॉइंट देखना कि कितने पोजीशन के बाद पॉइंट लगेगा। 3 पोजीशन के बाद यहाँ लगा है, 2 के बाद यहाँ, 5 और 1 6 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 ही पोजीशन है। तो यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे, ठीक है। 6 पोजीशन हमें काउंट करनी है, तो 1 2 3 6 पोजीशन अब हो गई तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट बैठेगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा, आप उसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, और ये सवाल क्या कहता है, ये भी सीधा सिंपल सा सिंपलीफिकेशन का सवाल है, बट इसमें कुछ मिस्टेक है। ये सवाल बेसिकली गलत है, इसमें पॉइंट का कुछ मिस्टेक है। देखिए ये कुछ सवाल इस ढंग से दिया हुआ है, बट यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है 0.6, क्योंकि अगर हम बॉर्ड मास के हिसाब से करें तो पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना होगा। तो 7396 को हम 8.6 से जब डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। सपोज़ हम इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, प्लस को तो यहीं लिख कर रहने देते हैं, 7396/8.6, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, बल्कि यहीं पे पॉइंट होगा 6 से पहले, 7396 होगा, लेकिन ये 86 होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7774, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, सवाल को आगे ले चलते हैं। तो 7774 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस भी वहीं का वहीं रहेगा, अब क्या चेंज होगा, 7396 अगर हम इसको करते हैं, पॉइंट हटा दें इसको, तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 86 को ऐसे ही लिख रहने देते हैं। अब 86 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 86 टाइम जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। और उसके बाद जब हम नीचे 10 और रह गया, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इस पूरे स्टेप से हमें क्या मिलेगा, ये पूरा स्टेप कुछ जंग से हो जाएगा, 77.4 यहीं का यहीं रहेगा, सॉरी 77.4 वहीं का वहीं रहेगा। और उसके बाद बचता है हमारे पास कितना, 86/10, तो 8.6 में बदल गया ये, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 86, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। जिस फॉर्म में ये दिया हुआ उस फॉर्म में अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा, आप चाहो तो करके देख लो। 18 नंबर सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, प्लस प्लस वाले दोनों हम हिसाब करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8123, ये आ जाएगा 8123.2
फोर ज़ीरो, और ऐसे ही माइनस माइनस वाले एक साथ प्लस करके जो हम लिखेंगे आपस में जोड़ करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2138.278। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 5984.152। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वैसे हो गया स्क्रीन नहीं है, ओके अब आ गई स्क्रीन, ठीक है। तो ये आ गया 5984.152, और ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही आंसर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल क्या कहता है, एक खंबे का 1/2 भाग कीचड़ में है, कितना है, 1/2 भाग कीचड़ में है और बाकी 1/5 भाग पानी में, 1/5 जो है पानी में है, ओके। अब क्या कहता है, तथा शेष 3 मीटर पानी के सतह के ऊपर है, तो शेष बचा कितना है, जब ये आ गया हमारा तो ये 5 + 2 = 7 और ये हो गया 10, 7/10 तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका कहाँ कहाँ पे है, बचा कितना हमारा 7/10 जब करेंगे, पूरा कितना था 1, होल्ड ऑन या नहीं रहा स्क्रीन पे, ओके पूरा कितना था खंबा, 1 खंबा पूरा था, ठीक है, उसकी लंबाई को हमने अभी 1 माना यूनिट। उसके बाद 7/10 हमें पता चल चुका है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है, बचा कितना ये पता करना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जिसको नहीं आता वो हमारा जो फ्रैक्शन रिलेटेड वीडियो वो देख करके डिटेल में और अपना प्रैक्टिस कर लें, समझ में आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 7/10 हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉरी 3/10 होगा जो बचा है, बचा हुआ पार्ट कितना है 3/10, लेकिन उसके हिसाब से कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल लंबाई जो थी इसकी एक्स मीटर थी, खंबे की टोटल लंबाई एक्स मीटर थी, उसने कहा कि एक्स का 3/10 पार्ट जो है, एक्स का लिख सकते हैं एक्स का 3/10 पार्ट 3 मीटर के बराबर है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, पता करना है एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स इंटू 3/10 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू 3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, तो यही हमारा उत्तर होगा, और ये हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, √176 ये दिया हुआ है, √176 + √240, होल्ड ऑन, ठीक है, और इसका पता लगाना कि क्या इसकी वैल्यू बनेगी, उसके बाद हम अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, अगर अब ये 240 का बदले 2401 मिल जाए तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लगती है सवाल में, तो फिर देखिए कैसा आ जाएगा, ये 176 हम ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2401 का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें 49, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 जो हमारा आंसर बनेगा, 15 हमारे पास कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो अगर ऐसा हो जाए, होता कि 2401 होता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर बी हो जाता, लेकिन ये सवाल गलत है। देखिए अब अगला सवाल लेडर डिवीजन का सवाल है, बेसिकली इस सवाल में होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा सीख आपको सीखनी पड़ती है और घबराना नहीं होता, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप हमारा इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए इसको करते हैं, सवाल ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे नीचे चलते हैं, सबसे नीचे 1 + 1/4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 आती है इसकी, तो बाकी सवाल हम ऐसे ही लिखकर रहने देते हैं, सिर्फ इसको हम बदल देते हैं, ठीक है। तो 1/3 + 1/ क्या लिखेंगे इसको, 5/4, तो 5/4 को जब हम पलट देंगे यहाँ पे, 5/4 लिखेंगे तो ये अपने आप पलट जाएगा, क्या हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस ढंग से 1/5/4, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तो ऊपर पहुँच जाएगा और 5 नीचे, तो हमें एक्चुअली इसे 4/5 की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे जब ये बदल लेगा तो 4/5 कुछ ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है ये पोजिशन, इस पोर्शन को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 + 4/5 क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3 + 4/5, ठीक, 3 के नीचे आप चाहो तो 1 मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे,
और 1 मान करके इसको आंसर करो। 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 3 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 19/5 ओनली, सॉरी 19/5 हमें मिला फिर से, लेकिन 19/5 को भी हम पलट देंगे तो 19 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। 19/5 आया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाकी को ऐसे लिखा रहने देते हैं 2+1/दिस, और इस पोर्शन को अब हम बदलेंगे 19/5 से, तो 5 कहाँ पहुँचेगा, 5 यहाँ पहुँच जाएगा 1 के पास, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और 19 आ जाएगा नीचे। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। चलिए थोड़ा यहाँ ले लेते हैं सवाल को, ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ ये 5/19, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/19 × 38 प्लस 5/19, ये हो जाएगा हमारा। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, आगे ले चलते हैं, ये लीजिए आगे आगे हम, तो फिर से ये 19 से ऊपर पहुंच जाएगा 1 के साथ, और नीचे क्या रह जाएगा 38+5 43, तो ओवरऑल 19/43 हमारा आंसर बनेगा। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा है बी, तो बी हमारा आंसर है। अब देखिए 22 नंबर सवाल, a = this b = this, तो a+b² क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की कितनी है 2, तो a+b का वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1+2 यानी कि 3, तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 9 आंसर हमारा कहाँ है सी में, तो सी हमारा उत्तर बन जाएगा, जवाब बने। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, 72 है और 9 है, 9 को पता लगाना कि वो 72 का कितने परसेंट है, तो जब भी हम कभी ऐसा पता लगाते हैं तो क्या करते हैं, 9 ऊपर लिखेंगे 72 नीचे लिखेंगे, इंटू कर देंगे 100 और कट करके आंसर कर देंगे, करके दिखा देते हैं आपको, इस ढंग से हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 8 = 72 होता है, तो 1/8 हो गया, लेकिन यहाँ पे 100 है, तो 100 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, तो यही हमारा जवाब होगा 12.5% टन, ठीक है, और ये ऑप्शन बी है हमारा, तो बी हमारा राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 675 रुपये को ए और बी में 5 और 4 के अनुपात में बांटना है, तो 5 और 4 कितना हो जाता है 9, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें कितना हो जाता है 9, तो 9 टोटल हिस्से किए हैं, 9 भाग किए हैं 675 के, उसमें से पता लगाना कि एक हिस्सा कितने का होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम 9 से डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं, 9 से अगर डिवाइड करेंगे, चलिए कुछ ढंग से करते हैं तो बताते हैं आप कैसे करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन ये चूँकि स्टूडेंट्स भी हर लेवल का आता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स में, कुछ बच्चे जो है घरों में बिजी रहते हैं, हमारे यहाँ भी एटमोसफेयर ऐसा नहीं है, उनको उतनी तवज्जो उतना टाइम नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए, तो उनको बेचारों को दिक्कत होती है, इसलिए हर सवाल को यहाँ करना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी ईजी क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, इसने कहा कि 675 को 5 और 4 के अनुपात में बांटना है, तो 5 और 4 ये दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो 5/9 × 675, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, अब 9 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 75, 9 7 से 63, 4 5 9 75 बन गया, और ये हमारे पास बचा 5 × 75, तो कितना हो जाएगा 375। ऐसे ही हम 4 के हिस्से के लिए करेंगे, तो 4 के लिए जब हम करेंगे तो 4/9 × 675, फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75, और इसको हम 300 में बदल लेंगे, तो इस तरह से हमें दोनों मिल गए हैं, एक 375 और दूसरा 300। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे ये फिट बैठता है, तो ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा जवाब बनेगा। अब देखिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कॉलेज में लड़के और लड़कियों लड़कियाँ 8:5 के अनुपात में है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले सवाल किया था वैसे ही हम करेंगे, बस इस बार हमें क्या है कि कुल नहीं दिया, टोटल नहीं दिया, पिछली बार हमें टोटल दिया था, सपोज इस बार टोटल जो है वो एक्स है,
हम ऐसे लिख लेते हैं, माना टोटल एक्स है, मान लो लड़का और लड़कियां दोनों मिलाकर के एक्स हैं। अब क्या दिया है उसने, 8:5 के अनुपात में तो हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या दी है 160। कितनी? 160 दी है लड़कियों की संख्या, लेकिन लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 5, लड़कों का 8, दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 13। तो कुछ इस ढंग से सवाल बनेगा कि 5/13 ऑफ एक्स, एक्स का 5/13 इज इक्वल टू 160। कट कर लीजिए, ये आ जाएगा 32। 13 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू 32 × 13, 32 × 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 416। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 416। ये पूछा है हमसे, टोटल ही पूछा है, तो हमारा सी उत्तर बनेगा, सी हमारा जवाब है यहाँ पे, इसको टिक कर देते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक्स और वाई का रेशियो दिया है, और इसने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इस सवाल में भी, ये 6.5 नहीं होगा, 6:5 होगा, तो अब आपका आंसर फट से आ जाएगा। ठीक है, तो 5x+3y और इसमें रेशियो दिया हुआ है इसके साथ, 5x-3y की वैल्यू क्या होगी? तो हमें क्या दिया पहले, x और y की का रेशियो दिया हुआ है, तो उसी को मान करके हम चलते हैं, सवाल का आंसर आ जाएगा। बहरहाल इस सवाल पे डिस्प्यूट रहेगा कि इसको आप देख लेना, जैसे कि हम पिछले शायद दो सवाल और देखें जिसमें हमने रॉन्ग्स थे, वो सवाल मिसप्रिंटेड थे, तो वैसे ही एक और थर्ड सवाल ये है, तो इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है किसी की मेरिट पर ये फ़र्क डाल दे और उसको सिस्टम से बाहर कर दे, उसको एडमिशन ना मिले। तो अगर आप इन चीज़ों को पकड़ के चलेंगे तो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये हमारा सवाल सही माना जाए, क्योंकि ये सवाल सबका गलत है, जो सवाल मिसप्रिंटेड है तो उसको मार्क्स सबको मिलने चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। पहले देखिए, अगर हम एक्स और वाई का रेशियो ये मान लें 6:5, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 6/5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 6/5 और वाई। ठीक है, तो एक्स की जगह हम कहीं पे भी ये वैल्यू वाई की रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल में, अब हमें इसका पता लगाना है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5x+3y अपॉन 5x-3y। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 और x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है? 6/5 y के टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, 3y, जस्ट मोमेंट, y को हम एज इट इज रहने देते हैं, कुछ छेड़ेंगे नहीं। नीचे 5x है तो 5 और x की जगह फिर से वैल्यू 6/5 y प्लस, सॉरी माइनस है, इस बार प्लस नहीं है, -3y। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल में, यहाँ से क्या मिलेगा? 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 6y+3y, 6+3 9y, सॉरी हाँ 6y+3y 9y। नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 6-3 यानी कि 3y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 3:3:1 ये रेशियो मिलेगा हमें, और ये हमारे आंसर में कहीं पे है क्या? तो आंसर हमारा मिल गया है बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 27 नंबर सवाल क्या कहता है, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकें, तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितने व्यक्ति लगाने होंगे? अब देखिए ये लिखा हुआ है सेंटेंस में कि 12 व्यक्ति कुएं को खोद सकते हैं 20 दिन में, तो हमने लिख दिया 12 लोग कर सकते हैं 20 दिन में, तो अगर एक आदमी करे, उस काम को, तो कितने दिन में करेगा? ज़्यादा वक्त लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो टाइम हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ शुरू में दिया है और यहाँ एंड में दिया हुआ है, तो एक आदमी इतने दिन में करेगा, लेकिन हमें चाहिए 15 दिन में काम कराना है। ठीक है, तो जो चीज़ हम निकालते हैं वो सेंटेंस के एंड में आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना जब आप इस तरह के सेंटेंस लिखते हो। तो अब हमें 15 दिन में काम कराना है, कितने दिन में? 15 दिन में, तो 15 दिन में, एक दिन में कर रहे थे कितने, एक दिन में कराना था तो, सॉरी एक आदमी कर रहा था तो कितना टाइम लग रहा था? इतने दिन लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर 15 दिन में करेंगे तो क्या होगा? 15 दिन में काम कराने के लिए कम लोग लगेंगे ना, सॉरी ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं अपन 15 कुछ ढंग से, आंसर करते हैं 3 + 4, 3 से फिर काटा 4, 4 × 4 = 16, कितने लोग आएंगे? 16 हमारा जवाब आएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा 16, हमारा कौन सा
ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा जवाब बनेगा यहाँ पे। अब देखिए 28 नंबर सवाल है ये आपका। दो साइकिल सवार बराबर दूरी दूरी बराबर है, क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है ये पता करनी है, लेकिन दूरी समान है और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है और दूसरा 16 की स्पीड से तय करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस दोनों ने तय की है और चूँकि बराबर है तो वह एक्स किलोमीटर है, ठीक है। अब एक्स किलोमीटर तय करने में जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर की है पर आर की, उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है बेसिक फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस हमारी यहाँ एक्स है इसलिए हमने सीधे एक्स लिख दिया, वरना डी लिखते हम। तो इसी फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। टाइम उसने हमें दिया हुआ है क्या, एक्स की डिस्टेंस उसने तय की है 15 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन ज़्यादा टाइम लिया, कितना ज़्यादा टाइम लिया 16 मिनट का। लेकिन हम मिनट में नहीं लिख सकते, हम सिर्फ घंटे में लिखेंगे, तो हमें इसे 60 से डिवाइड करके ही लिखना होगा, ठीक है। दूसरे ने क्या किया, इसी डिस्टेंस को तय किया इतने ही टाइम में, सॉरी टाइम अलग है उसका, 16 मिनट कम है उसके, तो एक्स अपॉन 10 की उसने, सॉरी 16 किलोमीटर की स्पीड से उसने डिस्टेंस तय की है, तो उसको उसका टाइम ये आ गया, एक्स अपॉन 16 उसका टाइम है, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने, किसने, जिसने 15 किलोमीटर की स्पीड पे, जो कि इसकी स्पीड कम थी, उसने टाइम ज़्यादा लिया, ऑब्वियसली उसने ज़्यादा लिया, तो हमने ऐसे करके वो टाइम उसके साथ ऐड कर दिया और दोनों को इक्वल हम दिखा सकते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स अपॉन 15 को ऐसे लिखा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स अपॉन 15 प्लस, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये इसको डिवाइड करते हैं, 4 से 4 हो गया, इसको किया तो 15, तो 4/15 में ये बदल चुका है और बाकी एक्स अपॉन 16 अभी एज इट इज़ रहेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे नीचे 15 है, नीचे दोनों को ऊपर वालों को ऐड करते हैं, सिंपल हो जाता है ऐसे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एलसीएम वाले सवालों पे, फ्रैक्शन वालों पे, तो ये आपको याद हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो जाता है। अपॉन 15 ही रहेगा, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16 हो गया, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। इधर इसके साथ ये जाएगा तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, 16 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 16 × 4 = 64, क्लियर। अब यहाँ 16x है, यहाँ 15x है, इस 15x को इसके पास ले गए तो कितना बचा x, ठीक है, प्लस 64 इज इक्वल टू, इधर तो 0 है, कुछ भी नहीं बचा इधर, तो इससे फाइनली हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -64। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस है तो माइनस का कोई डिफरेंस इस पर नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो दूरी, वो डिस्टेंस निकल आई है जो कि इन लोगों ने तय की थी, और ये आएगी किलोमीटर में, ठीक है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में और टाइम घंटे में चला था, क्लियर है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर है हमारा, ये हमारा बी में, तो बी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं होती इन तरह के सवालों पर, पेशेंस की जरूरत होती है, और पेशेंस और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बगैर प्रैक्टिस के आप सवाल नहीं कर सकते। अच्छे से प्रैक्टिस करना अगर आपको एग्जाम देना है, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए 29वां सवाल बहुत आसान सा, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक। तो हमें चाल दे दी है और टाइम दे दिया है और दूरी पूछी, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड। तो ये रहा हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला, दूरी को हमने यहाँ डी से लिख दिया है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए, टी से टाइम और एस से स्पीड, तो इसी फॉर्मूले में हम रख देते हैं। दूरी हमें निकालनी है, हमें पता ही नहीं है, टाइम हमें दिया हुआ क्या, सॉरी स्पीड हमें दी हुई है और टाइम हमें दिया हुआ, तो टाइम हमारा 20 मिनट, लेकिन मिनट में हम रख नहीं सकते, घंटे में बदल कर रखेंगे, घंटे में बदलेंगे तो इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और स्पीड हमें दी है 92.4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको छेड़ना नहीं है, इससे इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे, 3 से इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 30.8, क्लियर। अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, 30.8, लेकिन किलोमीटर में आई है, किलोमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और उसके बाद पॉइंट हट के भाग जाएगा तो 8 के बाद 2 0 और लग जाएंगे, ये आ गया हमारा मीटर में।
तो आंसर हमारा 30,800 होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी है ये, तो बी हमारा आंसर, बी टिक कर देते हैं। अब लास्ट सवाल है मैथमेटिक्स का, 30 नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है ये। 30 नंबर सवाल कहता है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल मिले, इसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट होता है, वो आप शॉर्टकट नोट कर लीजिए और बात ख़त्म, ठीक है। तो ये वर्बल होने वाला सवाल है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। चलिए देखते हैं क्या शॉर्टकट है ये। देखिए ये शॉर्टकट होता है, अगर एक्स परसेंट की वृद्धि उसके इसमें की हुई है एक साइड में, क्योंकि वर्ग की तो दोनों साइड बराबर होती हैं, अगर अलग अलग होती यहाँ ये आयत होता तो दोनों साइड अलग अलग होती, एक्स होती दूसरी वाई होती, तो हम इस फॉर्मूले से उसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को चेंज को बता सकते थे। यहाँ पे जो कि वर्ग है तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो जो भी चेंज हो रहा है दोनों में हो रहा है, तो हम सब एक्स की जगह भी 25 रखेंगे, वाई की जगह भी 25 रखेंगे, तो ये लिखा हमने 25, वाई की जगह भी हमने लिखा 25 प्लस एक्स यानी कि 25, वाई भी 25 अपॉन 100, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 25 25 50 यहाँ लिख दिया हमने, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो 25 × 25 625, और बटे में क्या चल रहा है, 100 नीचे 100, ठीक है। तो ओवरऑल 50 और यहाँ से कितना आया, 6.25, होल्ड ऑन 6.25, तो ये हमारा 56.25% का चेंज आया। तो बताइए इसमें पेन उठाने की ज़रूरत है, नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत से शॉर्टकट हैं हमारे यूट्यूब पे, आप देख सकते हो चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जा करके उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करिए, तो ये सवाल आपके वर्बल होने शुरू हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे सेक्शन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।